हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हार्ट एंड डाटा एंट्री एग्जाम के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डेटा आर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर हम बात करें रो का मतलब क्या होता है, ऐसा डेटा जो भी प्रोसेस नहीं हुआ। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, ट्रूथ या रियलिटी। अगर हम रियल टाइम की एग्जांपल लें, अगर आप स्कूल या कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में जाते हो तो अगर आपको वो बोलते हैं कि फॉर्म फिल करो, तो फॉर्म के अंदर हम क्या डालते हैं, नेम डालते हैं, फादर नेम डालते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं या फिर हमें एड्रेस डालते हैं। तो ये सारा हमारा क्या है, रियलिटी है, हमारा रियल डेटा है। तो अब कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों को जो डेटा आपके फॉर्म में से चाहिए वो अपने कंप्यूटर में वो फीड कर लेंगे, तो उनके पास अब आपके नेम की क्या है, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है एंटिटी एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप आर एसोसिएटेड विद, तीनों चीज़ें किस में होती हैं, तो ये लॉजिकल कंसेप्ट ऑफ डेटा के अंदर होंगी। तो अगर हम बात करें कि ये सारे जो कंसेप्चुअल, लॉजिकल और फिजिकल तीनों मॉडल हैं वो हमारे डेटा मॉडलिंग के अंदर आते हैं। डेटा मॉडलिंग क्या होता है, एक डायग्राम है जिसके अंदर टेबल्स का सेट होता है और उनके बीच में रिलेशन होता है। अगर हम बात करें डेटा मॉडल का क्या यूज़ है, भाई क्यों यूज़ करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए डेटा मॉडल का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर थ्री स्टेजेस होती हैं, कंसेप्चुअल, लॉजिकल एंड फिजिकल। कंसेप्चुअल के अंदर क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप्स होते हैं। लॉजिकल के अंदर एंटिटी एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप तीनों चीज़ें होती हैं। फिजिकल के अंदर एंटिटी लाइक बिहेव करती हैं टेबल की तरह, एट्रीब्यूट रिलेशनशिप सेम है बाकी। अगर हम बात करें कंसेप्चुअल के अंदर, जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं वो हमारे पास क्या है, एंटिटी का बनाने का काम करते हैं, और जो लाइंस है वो क्या है, रिलेशनशिप बनाने का काम करती हैं। तो फिर लॉजिकल मॉडल में क्या इससे एक्स्ट्रा है, या तो लॉजिकल मॉडल क्या है, जो कंसेप्चुअल मॉडल को ही एक्सपैंड करके बनाया गया है। लॉजिकल के अंदर सेम एंटिटी भी है और हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप भी है, बट इसके अंदर क्या नया ऐड हुआ है, एट्रीब्यूट ऐड हुआ है। तो एट्रीब्यूट क्या है, हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स के नेम है जो कि क्या करते हैं, एट्रीब्यूट आगे टू में डिवाइड होते हैं, की एट्रीब्यूट एंड नो की नॉन की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, जो कि यूनिक डेटा कंटेन करते हैं, लाइक आईडी, आधार नंबर, और नॉन की जो कि डुप्लीकेट हो सकता है डेटा, लाइक सिटी, नेम। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था, एंटिटी एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप तीनों चीजें इसमें है, तो हमारे पास वो लॉजिकल मॉडल के अंदर है। फिजिकल मॉडल में क्या है, फिजिकल मॉडल में जो एंटिटी है वो टेबल की तरह बिहेव करती है, और जो फिजिकल मॉडल में क्या होता है कि जो कॉलम्स होते हैं वो यूजर फ्रेंडली नहीं होते, वो डेटाबेस कंपैटिबल नेम्स होते हैं। कि इसके अंदर हम क्या है, जो डेटाबेस के अंदर हम क्या है, अंडरस्कोर यूज करते हैं, जब भी हम कॉलम्स का नेम लिखेंगे हम यहाँ पर स्पेस का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेज में भी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीक्वेंशियल टाइप ओनली और डायरेक्ट एक्सेस टाइप ओनली। जो स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, या तो उनको सीक्वेंशियली एक्सेस कर लो, सीक्वेंस का मतलब एक क्रम के अंदर, रैंडम का मतलब डायरेक्ट कोई चीज़ सॉन्ग वगैरह प्ले करना। जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता था, कंप्यूटर्स में जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आए थे तो मैग्नेटिक टेप यूज़ किया जाता। अब पहले भी शायद आप लोगों ने देखा ही होगा, मैग्नेटिक टेप का क्या होता है, जब टेप रिकॉर्डर के अंदर डाला जाता है, अगर मेरे को 10th सॉन्ग सुनना है तो मेरे को पहले 9 सॉन्ग क्या है, फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। बट आजकल क्या है, रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज यूज हो रहा है, जिसके अंदर मैग्नेटिक है, फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी कार्ड है, पेन ड्राइव है, ऑप्टिकल डिवाइस है। तो ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेज है। मतलब अगर आपको 10th सॉन्ग सुनना है तो आप 10th पे डायरेक्ट क्लिक करोगे, फॉरवर्ड कर दोगे, तो आपका 10th वाला डायरेक्ट सॉन्ग क्या हो जाएगा, क्लिक करने पे रन हो जाएगा। क्वेश्चन है मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग विद टू और मोर प्रोसेस। मतलब एक टाइम पे दो या दो से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना, उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। नॉर्मल लाइफ के अंदर हमारे पास क्या होता है, सिंगल सीपीयू होता है हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, बिकॉज अपना इतना हार्ड लेवल का या बिग डेटा वाला काम नहीं होता। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, बिग डेटा होता है, या बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस वाला काम होता है, वहां पर यूज होता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। किसी सिस्टम में दो या दो से ज्यादा सीपीयू है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो इसका बेनिफिट क्या है कि अगर नॉर्मल कंप्यूटर होगा तो एक बार में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, बट अगर हमारे पास मल्टी प्रोसेसर है तो मल्टीपल प्रोसेसर है, तो मल्टी प्रोसेस भी हमारी क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं बट वो कॉमन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कॉमन ही शेयर करते हैं। तो अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल लगाएं, एक हमारे पास सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है सपोज, और ये हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल टीचर को टास्क मिला है कि आपने डिवीजन ए, बी और सी का ओरल टेस्ट लेना है, तो वो पहले ए का लेंगे, देन बी का, देन सी का, तो टाइम तो लगेगा। अगर हम यही काम इंडिविजुअल टीचर को इंडिविजुअल करा क्लास प्रोवाइड कर दें, तो ये वाला टास्क जो है, ये वाला काम हमारा क्या है, वो विद इन जल्दी हो जाएगा, विद इन टाइम और इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिकल पैकेज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोरल ड्रॉ। अगर हम बात करें कि कोरल ड्रॉ क्या है, कोरल ड्रॉ क्या है, ग्राफिकल डिजाइन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम पोस्टर्स, बैनर्स, पैम्पलेट, विजिटिंग कार्ड, कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं, जो इसके अंदर हम फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं। फोटो एडिटिंग टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, वेक्टर एंड रास्टर। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वेक्टर की अगर बात करें तो कोरल ड्रॉ क्या है, वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। अगर हम बात करें व्हाट इज वेक्टर,
मेरे को तो नहीं पता। वेक्टर ग्राफी में क्या है, जब हम इमेज करते क्रिएट करते हैं तो मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज किया जाता है, लाइंस कर्व का यूज किया जाता है। वेक्टर के अंदर जो भी आप इमेज ड्रॉ करोगे, जब आप उसको जूम करोगे तो उसकी क्वालिटी लूज नहीं होगी। तो वेक्टर के अंदर हमारे पास, जैसे आपने मोबाइल के अंदर देखा होगा, कोई इमेज जूम करते हो तो उसके पिक्सल क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, इमेज ब्लर हो जाती है। तो अगर हम बात करें लोटस 1-2-3 क्या है, लोटस 1-2-3 लाइक एक्सेल की तरह है, और वर्ड स्टार क्या है, एमएस वर्ड की तरह है, और हमारे पास कॉरल ड्रॉ क्या है, एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है। तो अगर हम बात करें फाइल फॉर्मेट है कॉरल ड्रॉ का, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सीडीआर होता है, और भी हमारे पास ये फाइल फॉर्मेट्स हैं। अगर हम बात करें कॉरल ड्रॉ के अंदर, हमारे पास ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, अभी हमने बोला कॉरल ड्रॉ है, तो एक फोटो हमारे पास एक है अडोब फोटोशॉप है, अडोब पेज मेकर है, कॉरल ड्रो है, अडोब इलस्ट्रेटर है, अडोब इनडिजाइन है, पब्लिशर है। तो ये सारे हमारे क्या है, डीटीपी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, डीटीपी पैकेज के अंदर आते हैं। डीटीपी की अगर बात करें तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसका यूज क्या है, हाई क्वालिटी की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। हेल्प से हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, बिल बुक, विजिटिंग कार्ड, कैलेंडर, बैनर, मैरिज कार्ड, पैम्फलेट्स, ये सारा कुछ क्या है, रेडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीटीपी एप्लीकेशंस। अगर हम बात करें अडोब इलस्ट्रेटर, वो भी हमारा वेक्टर बेस क्या है, सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर एज ए मशीन एंड अदर इक्विपमेंट एसोसिएटेड विद इट आर टर्म्ड एज। तो क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि कंप्यूटर के मशीन के साथ जो भी इक्विपमेंट ऐड किए गए हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर टू टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और हार्डवेयर कंपोनेंट। तो ये हमारे पास जो भी अटैच हैं उनके साथ, वो हमारे हार्डवेयर हैं, या कंप्यूटर के अंदर हैं जो, वो हमारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू रीड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर टू मेन मेमोरी फ्रॉम द सीपीयू, देन द सीपीयू रीड। तो कहता है जो सीपीयू है वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन, फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी से इन्फॉर्मेशन कैसे रीड करता है। तो सीपीयू जो सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन रीड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू सीपीयू। सीपीयू बहुत फास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, सेकेंडरी मेमोरी उतनी फास्ट इंस्ट्रक्शन को इसको फॉरवर्ड नहीं कर सकता, डेटा प्रोसेस आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो फिर क्या किया गया है, तो मेन क्या करता है, जो हार्ड डिस्क है वो क्या करती है, जो सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज की अगर बात करें तो हार्ड डिस्क है, एसएसडी कार्ड है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी है, तो ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा क्या है, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी को फॉरवर्ड किया जाता है। उसके बाद अब आजकल बीच में कैश मेमोरी भी ऐड करने लगी, कैश का पर्पस भी यही है कि और ज्यादा फास्ट ये इसने डेटा ट्रांसफर करना हो सीपीयू को, तो बीच में कैश और ऐड करने लगी। बट अभी हमारे क्वेश्चन में प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है, तो पहले प्राइमरी मेमोरी को डेटा, देन ये सीपीयू को पास किया जाता है डेटा। अगर हम बात करें जो प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, इसका क्या यूज़ है, क्यों यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर। सेकेंडरी मेमोरी कुछ फाइल्स है, डेटा है आपका, जो डेटा आप परमानेंट स्टोर करना चाहते हो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी यूज़ की जाती है। कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए प्राइमरी मेमोरी रैम का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास नॉन वॉलेटाइल होती है और ये वॉलेटाइल होती है। अच्छा फ्रेंड्स, मेरे को आप कमेंट करके बताना SSD की फुल फॉर्म क्या होती है, और वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे को नेक्स्ट वीडियोस के लिए मोटिवेट तो कर ही सकते हो ना। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ। वो कह रहा है कि कंप्यूटर ने जो भी रिजल्ट जनरेट किया है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या फंक्शन यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आउटपुट इंटरफेस। जो हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेज है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, तो ये डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं होते। तो ये इनपुट आउटपुट बसेस कौन सी होती है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस और इंटरफेस, इनसे कनेक्ट होकर ये सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। तो अगर हम बोलें कि इंटरफेस का क्या यूज़ है, अभी क्यों कनेक्ट करने की जरूरत है इनको बीच में, डायरेक्ट हम मॉनिटर या कीबोर्ड को डायरेक्ट सीपीयू से क्यों नहीं कनेक्ट करते, इसीलिए नहीं करते बिकॉज कि जब हम कीबोर्ड से डेटा डालेंगे तो अगर हम डायरेक्ट भेजना है तो हमें लॉजिक बनाना पड़ेगा, प्रोग्राम ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट सीपीयू को समझ आ जाए, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये अलग अलग डिवाइसेज के लिए अलग अलग से हमें लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा, कीबोर्ड का अलग बनाना पड़ेगा, फिर माउस का अलग बनाना पड़ेगा, इन केस कीबोर्ड खराब हो गया तो हम कीबोर्ड को चेंज करेंगे, फिर उसका लॉजिक बनाना पड़ेगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बीच में क्या है, इंटरफेस का यूज़ किया जाता है। तो इंटरफेस क्या है, एज ए ट्रांसलेटर और कन्वर्टर का काम करते हैं। नेक्स्ट है अ टाइम शेयरिंग सिस्टम इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरेक्टिव मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम विद सेवरल यूजर्स। कि इसके अंदर क्या है, मल्टी इंटरेक्ट किया जाता है, मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम विद मल्टीपल यूजर के साथ इंटरेक्ट किया जाता है इसके अंदर। अगर हम बात करें टाइम शेयरिंग और मल्टी टास्किंग, दोनों बोथ आर सेम, तो बट ये दोनों प्रिमिटिव नेचर के है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि सीपीयू जो होता है, प्रोसेसर होता है, वो पहले ही सेट कर देता है कि मैं इतना टाइम के अंदर ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट करूंगा, अगर इतने टाइम के अंदर ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या हो जाऊंगा, जंप हो जाऊंगा।
होगा। तो सेम अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल है कि 10 बच्चे बैठे हैं एक क्लास के अंदर, मैंने सभी को 5-5 क्वेश्चंस दिए हैं और मैं सभी को बोल रही हूँ कि पहले 3 मैं आपके सॉल्व करूंगी, नेक्स्ट 3 सेकंड के होएगा, नेक्स्ट 3 इस टाइप से। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर मैं पहले स्टूडेंट के ही 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो उसी के ऊपर ही मेरे को टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो जो 10th वाला स्टूडेंट है उसकी टर्न बहुत लेट आएगी। तो टाइम शेयरिंग का पर्पज़ क्या होता है, इसका मेन पर्पज़ होता है रिस्पॉन्स टाइम, सभी प्रोसेस को क्विकली रिस्पॉन्स देना, ये पर्पज़ होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम का। तो इस क्वेश्चन है द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव, तो इसका जो राइट आंसर है वो है CPU मॉड्यूल। अगर हम बात करें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सिंगल यूजर लाइक विंडो 95 है जो वो सिंगल यूजर की एग्जांपल है, विंडो 98 भी सिंगल यूजर है, MS DOS भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिम्बियन जो है वो भी सिंगल यूजर है और पाम ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारे पास CPU शेड्यूलिंग नहीं है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिंगल टास्क ही परफॉर्म करना होता है CPU ने, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। CPU शेड्यूलिंग क्या चीज़ है, CPU शेड्यूलिंग का फीचर यूज तब किया जाता है जब हमने CPU से बहुत सारा काम लेना होता है और हमारे पास मल्टीपल यूजर्स होते हैं, तो उन यूजर्स को फील करवाना हो कि आप ओनली यूजर हो हमारे सिस्टम के, तब हम यूज करते हैं CPU शेड्यूलिंग मॉड्यूल। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए टेक्निक टू अलाउ अ प्रोग्राम ऑफ साइज मोर देन द साइज ऑफ द मेन मेमोरी टू रन। ये एक ऐसी टेक्निक है अलाउ ए प्रोग्राम, जो प्रोग्राम को अलाउ करती है जो कि यूज कर सकता है मेन मेमोरी का साइज रन करने के लिए प्रोग्राम। तो आप एक डायग्राम से समझो कि होता क्या है कि जब अगर हम मेमोरी सोचते हैं ना तो हमारे दिमाग में तो यही आता है रैम रोम कैश मेमोरी, बट वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर में रैम की तरह काम करती है वर्चुअल मेमोरी। वो कैसे, तो कई बार क्या होता है कि हम PC के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन करके बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो रैम है, सारी जो एप्लीकेशंस रन हो रही है वो रैम के अंदर ही हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो रैम का क्या होता है, उससे रैम का साइज होता है वो फुल हो जाता है। अगर सपोज हमने अब कोई और नई एप्लीकेशन ओपन करनी हो, ये पीछे कंप्यूटर में सारा ही अंडर चल रहा होता है, हमें तो पता ही नहीं है क्या कुछ हो रहा है कंप्यूटर के अंदर। तो जब हमने कोई और सपोज एप्लीकेशन ओपन करनी है या हमने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, कोई ऐप इंस्टॉल करनी है, तो हमारे रैम में तो स्पेस ही नहीं है, रैम में स्पेस तो बहुत थोड़ी है, बट हमने कोई प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है ऐप, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्ड डिस्क से कुछ स्पेस उधार ले लेता है और उसको वर्चुअल मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। तो उससे क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस अभी हम नहीं यूज कर रहे या जो एप्लीकेशन हम इतनी एप्लीकेशन 15-20 एप्लीकेशन खोल के बैठे हैं, बट उसमें से कोई ऐसी हैं 6-7 एप्लीकेशन जिनका यूज अभी मैं फिलहाल काफी टाइम से नहीं कर रही बट मेरे लैपटॉप में ओपन पड़ी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो जो एप्लीकेशन हैं उनको सभी को वर्चुअल मेमोरी के अंदर क्या कर देता है, मूव कर देता है जो काफी लॉन्ग टाइम से यूज नहीं हो रही, और जो मैंने अभी लेटेस्ट कमांड दी है उसको रैम में क्या है एग्जीक्यूट कर देता है, बिकॉज रैम की स्पेस अब कम खाली होगी, हमने वर्चुअल के अंदर मूव कर दिया डेटा को, तो यही काम है वर्चुअल। नेक्स्ट है इन डॉस CD कमांड विदाउट एनी ऑपरेंड या पैरामीटर्स वुड, मतलब CD कमांड के अंदर डॉस के अंदर CD कमांड आपने रन की और कोई भी पैरामीटर आपने पास नहीं किए तो फिर क्या आउटपुट आएगा, शो द पाथ नेम ऑफ द करंट एक्टिव डायरेक्टरी। तो हमारे पास जब हम लिखेंगे, तो अगर हमने एक फोल्डर के अंदर अनदर फोल्डर क्रिएट करना हो तब हम क्या है CD कमांड का यूज करते हैं, तो उससे क्या है जो भी आप जैसे जैसे फोल्डर के अंदर मूव होते रहोगे वैसे वैसे वो आपको कंप्लीट क्या है पाथ शो करता रहेगा। नेक्स्ट है DIR विदाउट एनी आर्गुमेंट इन द डॉस विल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिस्ट फाइल्स एंड सब डायरेक्टरी ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी ऑफ अ सी ड्राइव। तो DIR अगर हम लिख देंगे कमांड तो वो विदाउट एनी आर्गुमेंट, अगर हमने कोई आर्गुमेंट या पास नहीं किए तो क्या रिटर्न करेगा, तो उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं या जितनी भी सब डायरेक्टरीज हैं वो आपको क्या करवा देगा, शो करवा देगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा DIR, तो DIR कमांड यूज्ड फॉर लिस्टिंग द फाइल्स एंड डायरेक्टरी प्रेजेंट इन द करंट डिस्क, करंट डिस्क के अंदर जो भी फाइल्स और डायरेक्टरी पड़ी हैं वो आपको दिखा देगा। तो इसके अंदर हमने जब DIR लिखा तो सी के अंदर हमारे पास ये डायरेक्टरी है जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता, वो फाइल होती है, तो ये डायरेक्टरी है ये डायरेक्टरी है, तो कहता कि 4 डायरेक्टरी मिली है और एक फाइल मिली है। नेक्स्ट है इंडोस ए कॉलन स्लैश एंगल ब्रैकेट सी कॉलन विल टेक यू, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ड्राइव सी विद इट्स प्रीवियस एक्टिव डायरेक्टरी। कमांड इज यूज टू, तो इसका जो राइट आंसर है वो है चेंज द नेम ऑफ द फाइल इन द डायरेक्टरी नेम एंड द फाइल टू द अनदर डायरेक्टरी। रीनेम के नेम से क्लियर हो रहा है कि नेम चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, तो हमारे पास रीनेम और REN दोनों क्या है सिमिलर कमांड्स हैं। नेक्स्ट है MS DOS इज क्लासिफाइड एज, तो MS DOS अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड कमांड, तो इनमें से कौन सी इनवैलिड कमांड है, तो इसका जो राइट आंसर है वो DIR डबल एंगल एंड LPT1। तो हमारे पास क्या होता है
तो DIR लिख के फाइल का नेम या फोल्डर का नेम लिख के .txt लिखा जाता है। ये क्यों लिखा जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है, तो ये क्यों किया जाता है, टू सेव अ डायरेक्टरी लिस्ट। अगर हमने डायरेक्टरी की जो लिस्ट है उसको एज ए टेक्स्ट फाइल की तरह सेव करना हो विंडोज के अंदर, तब हम ये वाली कमांड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। बट जो डबल है ना, ये क्या करता है, अपेंड द आउटपुट ऑफ ए कमांड टू ए फाइल। तो ये क्या करता है, जो अपेंड कर देता है मतलब ऐड कर देता है आउटपुट को ऑफ ए कमांड, कमांड की जो भी आउटपुट आई है उसको फाइल के साथ ऐड कर देगा। तो हमारे पास क्या है, जब हम ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करेंगे DIR LPT1, तो ये क्या करेगी, हमारे एरर एक्सेस हमें क्या कर देगी, ये डिनाई कर देगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ फाइल्स मे बी रेफरेंस्ड बाय डोज कमांड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाइल्ड कार्ड। वो कहता है कि अगर हमने फाइल्स का ग्रुप देखना हो तब हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, हम वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। तो दो टाइप के वाइल्ड कार्ड होते हैं, एक होता है स्टार, एक होता है क्वेश्चन मार्क। स्टार का मतलब होता है कि बाद में जितने मर्जी करेक्टर हो, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन मार्क का मतलब जितने मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी उतने ही उसके अंदर लेटर होने चाहिए। आर स्टार का मतलब ऐसी डायरेक्टरी या ऐसी फाइल्स दिखा दो जो आर से शुरू है। तो हमारे पास आउटपुट आएगी, यहाँ पे दो डायरेक्टरी दिखा दी, उसने एक फाइल दिखा दी। अगर हम बात करें क्वेश्चन मार्क की, तो इसका मतलब क्या, पहला लेटर एम होना चाहिए, लास्ट लेटर टी होना चाहिए, बीच में कोई भी तीन लेटर हो। तो इस टेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनल डोज कमांड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास एडिट। अगर हम बात करें इंटरनल डोज कमांड कौन सी होती है, इंटरनल डोज कमांड क्या होती है, command.com जो फाइल होती है उसका पार्ट होती है। तो ये लिस्ट ऑफ कमांड्स है जो इंटरनल डोज के अंदर आती है, कॉल है, क्लियर है, CLS है, REN है, मूव है, DIR है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल कमांड। इनमें से कौन सी एक्सटर्नल कमांड नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नन। अगर हम बात करें जो मूव है ना, मूव कमांड के बारे में देखो आप, मूव कमांड को ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मूव इज इंटरनल कमांड। अब आज के टाइम में मूव इंटरनल कमांड बन चुकी है, पहले दैट इज अवेलेबल इन द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो अभी का ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। व्हेन मूव वाज इंट्रोड्यूस विद द MS-DOS, जब मूव कमांड को MS-DOS के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था, इट वाज एक्सटर्नल कमांड। तो ये एक्सटर्नल कमांड थी, दैट यूज टू मूव .exe फाइल टू MS-DOS के अंदर। मूव को क्या बोला जाता था, एक्सटर्नल कमांड बोला जाता था। बट जो आपके ये क्वेश्चंस हैं, ये भी ऑलरेडी पुराने बेस पैटर्न पर ही फीड किए गए हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस वहां पर मिलते हैं। तो आपने जो टिक करना है वो आपने नन टिक करना है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्क कॉपी और मूव गिव्स अ सिमिलर कमांड। तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। REN आपने डिस्कस किया था पीछे, एंड रीनेम दोनों सिमिलर है। एक्स कॉपी फास्टर है कॉपी से, MS बैकअप इज यूज फॉर बैकअप। तो ये तीनों ट्रू हैं, कौन सा ट्रू नहीं है, डिस्क कॉपी और मूव। तो अगर हम बात करें डिस्क कॉपी और मूव, ये दोनों क्या है, सिमिलर नहीं है। डिस्क कॉपी का क्या पर्पज़ है कि कमांड यूज टू कॉपी द कंटेंट ऑफ डिस्क टू अनदर डिस्क। तो ये एक डिस्क से दूसरे डिस्क में कॉपी करने के लिए यूज कर सकते हैं। मूव क्या करेगा, उसकी लोकेशन मूव करने का काम करेगा। तो बोथ आर डिफरेंट। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।